हेलो मैम। हेलो सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मैं अनूप सिंह गौरव और ये वंदना जी, और मैं टीचर हूँ। और कहाँ रहते हैं सर आप? विनय नगर। विनय नगर में रहते हैं। ओके, तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए सर्च कर रहे थे लेने के लिए, तो आप क्या चीज़ें देख रहे थे एक प्रॉपर्टी में कि वो मतलब उस चीज़ को आप वो सब चीज़ें देख के आप एक अपनी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं? बिल्डर अच्छा हो, थोड़ा मतलब नाम हो उनका बिल्डर्स का। okay. और मैं यही इसी रूट पे, गार्डन सिटी वाले रूट पे डेली टेकनपुर एज ए फिजिक्स से लेक्चरर हूँ मैं, तो वहाँ जाता था डेली। okay. हम चार लोग थे गाड़ी में, तीन चार लोग साथ में स्टाफ में जाते थे। तो यहाँ देखा कि प्रोजेक्ट न्यूट्रेक का, पहले तो उसने हमें खींच लिया अपनी तरफ। Okay. उसके बाद फिर अंदर देखा तो उस टाइम पे शुरुआत ही हो रही थी। Okay. जनवरी 2021 में हुई थी शायद इसकी। Okay. तो शुरू में ही मैंने देखा, टुप्लेक्स भी थे उस टाइम पे, प्लॉट्स थे, तो उस टाइम पे मैंने सोचा प्लॉट के रह दो, हम रह ही हैं अभी। Hmm. कितना टाइम लगता है, तो प्लॉट्स के लिए हमने फाइनल किया वहाँ पे। Okay. और आरडी गुप्ता का तो ऐसे भी हर जगह यहाँ पे पहले भी एक हमारे फ्रेंड्स हैं, उनने इसमें गुलमोहर में ले रखा है। अच्छा, तो उस चक्कर में ठीक है उनका। सर, क्या चीज़ें आप देखते हैं या क्या चीज़ें आप सोचते हैं कि मैं जो प्रॉपर्टी खरीदूँ वो सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए? थोड़ा शहर, अब क्या है, शहर में तो हम रह ही रहे, जैसे जिंदगी छावनी है, विनय नगर लगा हुआ है, पोल्यूशन, भीड़ भाड़, गाड़ी, ट्रैफिक, मतलब निकल नहीं पाते। सोचते हैं अगर मतलब कार निकालेंगे तो देखेंगे जिंदगी छावनी से निकल पाते हैं। तो शहर से थोड़ा बाहर, थोड़ा ये हमने सोचा था कि इस जगह पे लेंगे, लेकिन टाउन से बस अच्छी होनी चाहिए सोच के रखा था। अब उस ये नहीं सोचा था कि अभी लेना है, लेकिन वो उसी टाइम पे वो निकलना हुआ और इतने अच्छे प्रोजेक्ट है तो मैं देख लो, शहर से बाहर है थोड़ा ठीक, इसलिए। जब आपने ये प्रोजेक्ट खरीदा या जब आपने इसमें इन्वेस्ट किया, कोई दिक्कतों का सामना आपने करा? नहीं, कोई दिक्कत आई है आपको डीलिंग करने में, कहीं कभी नहीं, से बात करने में, न्यूट्रिक के लोगों से मिलके? आपको पहली बार हम गए और लास्ट में जब एक साल बाद रेस्ट हुई, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है कभी। ओके, मतलब बीच में जो लेन देन था सारी चीजों में, हर चीज पे रिलेटिव्स फ्रेंड्स को हमें रिकमेंड करेंगे तो क्या चीजें बताएंगे उन्हें न्यूट्रिक में के आप जरूर इसके हाँ। बारे में दो लोगों से शेयर करेंगे, बताएंगे तो क्या चीजें आपको ऐसी लगी जो आप बोलेंगे उनको कि आप उनको जरूर इसमें निवेश करना चाहिए या खरीदना चाहिए? प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जो बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इनका मटेरियल वगैरह, हालांकि अगर डुप्लेक्स तो हमने लिया नहीं, अगर डुप्लेक्स भी लेना चाहे तो अच्छा, हमने देखे है यहाँ पे अच्छे बने हुए, और बिल्डर्स अच्छे होने चाहिए, और थोड़ा हर चीज में आप मतलब ईमानदारी है उनके। हाँ। उसमें मैंने सबसे अच्छी चीज ये है कि कहीं भी कोई चीज छुपी हुई नहीं है, सब चीजें ट्रांसपेरेंट है। हाँ, ट्रांसपेरेंट, सब चीजें ट्रांसपेरेंट है। हाँ। कोई फीडबैक आप हमें देना चाहेंगे जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं? फीडबैक तो मतलब आप अच्छे से अच्छा ही दें, मतलब इससे अच्छा क्या दें, मतलब ग्वालियर में इनसे अच्छा अभी है नहीं कॉन्सेप्ट के मामले। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।